तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग चंगेज मूवी के 7 दिनों के यानी कि फर्स्ट वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और डे 1 से लेकर डे 7 तक इस फिल्म ने किस तरीके से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया दो ही लैंग्वेजेस में, क्योंकि ये फिल्म दो लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, एक तो है बंगाली और दूसरा हिंदी। तो इन दोनों को मिलाकर हम बात करेंगे कि डे वाइज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा रहा और फर्स्ट वीक का कलेक्शन क्या निकल कर आया है और इससे हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म किस तरीके से कलेक्शन कर रही थी अब तक और आगे इस फिल्म का फ्यूचर क्या देखने को मिल सकता है। तो डे 1 में इस फिल्म का कलेक्शन रहा 25 लाख रुपीज। इसके बाद फिल्म का कलेक्शन काफी ज्यादा तगड़ा हो गया, जहां पर हमें कलेक्शन देखने को मिला 70 लाख रुपीज। डे 3 में इस फिल्म का कलेक्शन काफी ज्यादा थासू निकला, जो कि रहा 1 करोड़ रुपए का। इसके बाद यह फिल्म वापस से लुढ़क गई कलेक्शन के मामले में, लेकिन डे 1 पर जिस तरीके से इस फिल्म ने बिजनेस किया था उसके इक्वल ही इस फिल्म का बिजनेस रहा बाकी सारे दिनों में भी। तो इसको हम लोग बुरा नहीं बोल सकते कि यह फिल्म बहुत बुरा कलेक्शन कर रही है या फिर ऑक्यूपेंसी बहुत गलत दिखा रही है, क्योंकि मैंने ऑक्यूपेंसी पर भी नजर डाली थी तो ऑक्यूपेंसी फिल्म काफी अच्छा खासा ही दिखा रही थी, 10% से ऊपर की और कम से कम 30% से नीचे, मतलब वही 10 से 30 के बीच में ये फिल्म ऑक्यूपेंसी दिखा रही थी, जो कि देखा जाए तो अच्छी निशानी होती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं उसके बाद का कलेक्शन की, तो यहाँ पर थोड़ी सी लुढ़की कलेक्शन के मामले में, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ खास हमें डिफरेंस देखने को मिला नहीं। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं इस फिल्म के डे 4 के कलेक्शन की, तो डे 4 में कलेक्शन रहा 35 लाख रुपीज, डे 5 में कलेक्शन रहा 30 लाख रुपीज, डे 6 में कलेक्शन निकल कर आया है 29 लाख रुपीज। और वहीं पर अगर मैं बात करूं डे 7 की, तो यहां पर कलेक्शन निकल कर आया 31 लाख रुपीज, जो कि देखा जाए तो इतना भी बुरा कलेक्शन नहीं है। और इस तरीके से ओवरऑल इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आया है 3.2 करोड़ रुपीज, जहां पर हिंदी में फिल्म का हिंदी में कंट्रीब्यूशन रहा 87 लाख रुपीज और वहीं पर बंगाली वर्जन में कंट्रीब्यूशन रहा 2.29 करोड़ रुपीज। तो देखा जाए तो फिल्म अभी तक फिलहाल अच्छा ही चल रही है और आने वाले दिनों में, मतलब इस मंथ के एंड तक काफी अच्छा बिजनेस कर लेगी। हालांकि फिल्म का बजट ही इस फिल्म की सबसे बड़ी मुसीबत है, जो कि मैंने काफी जगह रिसर्च किया, काफी जगहों पर 5 से लेकर 10 करोड़ तक के बीच का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है। और अगर ऐसा है सच में, तो शायद इस फिल्म के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर हो जाएगी अगर ये फिल्म 1 महीने तक में भी अपना बजट अगर रिकवर नहीं कर पाती हो। जिस तरीके से फिल्म कलेक्शन कर रही है उस हिसाब से चांसेस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। हालांकि उम्मीद पर दुनिया का है, मैं क्या पता कि आने वाले दिनों में ये फिल्म वापस से ट्रैक पर आ जाए। जोहार।